नमस्कार। अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अमेरिकी कांग्रेस प्रतिनिधि सदन की क्या योग्यता थी, क्या उसका कार्यकाल बताया गया और कितने वर्ष तक उनको प्रतिनिधि सदन को चुना जाता है। तो अब अपन पढ़ रहे सदन दो प्रकार के बताए। ये आपको पहले भी बताया था कि सदन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के बताए गए हैं। दो कौन कौन से हैं? प्रतिनिधि सभा और सीनेट। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष बताया गया है और उच्च सदन का सीनेट का जो कार्यकाल है वो कितना है? 6 वर्ष बताया गया। प्रतिनिधि सभा को क्या बोलते हैं? निम्न सदन कहा जाता है और सीनेट को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। जो प्रतिनिधि सदन है वो क्या है? वो जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व किया गया सदन है। तो ये काफ़ी बड़ा सदन है, इसके अंदर 435 सदस्य होते हैं और सीनेट के अंदर 100 सदस्य होते हैं। योग्यता क्या क्या बताई थी? कि 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हूँ। किसका? प्रतिनिधि सभा का। यदि कोई प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधि करता है, तो उसकी 25 वर्ष की आयु पूरी होनी आवश्यक बताई गई है और सीनेट की 30 वर्ष की। अगली है 7 वर्ष उसका क्या है? अमेरिका का रहना जरूरी है, यानी अमेरिका का वो 7 वर्ष से नागरिक होगा, वही प्रतिनिधि सभा का चुनाव लड़ेगा। और यदि सीनेट का, तो वो 9 वर्ष से, वो भी अमेरिका का नागरिक होना चाहिए और 9 वर्ष से वहाँ रहता हो। अगली जो है वो सैनिक पदाधिकार पर कार्यरत नहीं हो, उसी राज्य का निवासी होना चाहिए जिसमें वह रह रहा हो। यदि अमेरिका का प्रतिनिधित्व है तो अमेरिका का प्रतिनिधित्व होना ही जरूरी बताया गया है। तो ये तो इनकी क्या बताई गई है? सीनेट और प्रतिनिधि सभा की योग्यता बताई गई है। सीनेट को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है और प्रतिनिधि सभा को निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। सीनेट की कुल सदस्य की संख्या 100 होती है और प्रतिनिधि सभा के 435 सदस्यों की संख्या बताई गई है। प्रतिनिधि सभा का 2 वर्ष का कार्यकाल बताया गया है और सीनेट का 6 वर्ष का बताया गया है। योग्यता इसमें इस तरह से बताई गई है। जो प्रतिनिधि सदन है वो क्या है? जनता का सदन है। प्रतिनिधि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व किया जाता है और वह जनता का प्रतिनिधि है, जनता का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए वह जनसंख्या के आधार पर ही चुना जाता है, इसीलिए वो बड़ा है। उसकी 435 सदस्यों की कुल संख्या बताई गई है। और सीनेट है वो क्या है? संख्या आधार पे संघीय सदन है, तो इसलिए वह संख्या आधार पे ही चुना जाता है, इसलिए उसके कुल जनसंख्या सॉरी उसके वो कार्य सदस्यों की संख्या वो 100 बताई गई है। अब आज अपन पढ़ रहे हैं सीनेट की रचना, यानी सीनेट की रचना पढ़ रहे हैं। तो इसमें सीनेट अमरीकी कांग्रेस का द्वितीय सदन या उच्च सदन है। सीनेट अमरीकी राजनीति का प्रमुख केंद्र है। संविधान निर्माताओं का ये कहना है कि सीनेट केवल एक द्वितीय सदन ही नहीं होगी, नए वह कांग्रेस का एक समस्त स्तरीय सदस्य होगा, बल्कि वह एक समूची संघीय व्यवस्था भी होगा। तो ये क्या है? रीढ़ की हड्डी बताई गई है। इसी उद्देश्य से उन्होंने सीनेट का महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है। ब्रोगन ने लिखा है, अलग अलग थिंकर से वह लिखते हैं कि ब्रोगन ने लिखा है कि सीनेट एक ऐसी संस्था है जो कभी नहीं मरती, राष्ट्रपति आते हैं और जाते हैं, 2 वर्ष के बाद प्रतिनिधि सदन समाप्त हो जाता है, परंतु सीनेट बनी रहती है। ये कौन बोल रहा है? ब्रोगन ने कहा है। इसी प्रकार अगला जो थिंकर सब बोलता है कि सर हेनरी के शब्दों में बोलता है कि जब से आधुनिक लोकतंत्र का ज्वार चढ़ा है, तब से जितनी भी जनसंख्याओं का निर्माण हुआ, जितनी भी संस्थाओं का निर्माण हुआ, उनमें सीनेट केवल एकमात्र पूर्णतः सफल संस्था रही है। सीनेट के महत्व को प्रतियोगिता करती है। हरमन फाइनर लिखता है कि सीनेट को उसके कार्यों के साथ कांग्रेस योजना से निकाल दीजिए और आपको न केवल निचले सदन को पूर्ण विधायी कार्यकाल सौंप देना है, परंतु राष्ट्रपति को प्रशासन के महत्वपूर्ण अंग को भी स्पष्ट करती है। तो कहने का यही मतलब है कि अलग अलग वैज्ञानिक, सीनेट तथा प्रतिनिधि, इनका अलग अलग क्या करते हैं?
अलग अलग उसकी बताते हैं कि उस सदन निम्न सदन के नाम से किसको जाना जाता है और वह किस किस तरह से कार्य करते हैं, प्रतिनिधि सदन का वर्ष कार्यकाल कितना बताया गया है और सीनेट का कितना बताया गया है। सीनेट का 6 वर्ष बताया गया है और प्रतिनिधि का 2 वर्ष का कार्यकाल बताया गया है। प्रतिनिधि सभा है उनके कुल सदस्यों की संख्या 435 बताई है और सीनेट के कुल सदस्यों की संख्या 100 बताई गई है। प्रतिनिधि सभा जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए वह काफ़ी बड़ा सदन है और सीनेट है वो संख्या आधार पर किया जाता है, इसलिए वह उसके सदस्यों की संख्या 100 ही बताई गई है।